एसोसिएशन के चुनाव को लेकर मतदान जारी है, जिसके चलते बार एसोसिएशन से जुड़े सभी वकील वोटिंग करने में उत्साह पूर्वक वोटिंग स्थल पर पहुंच रहे हैं। वह अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को लेकर मतदान का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वकीलों और जुडिशियरी में तालमेल बनाने के लिए बार एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो वकीलों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। इस बार चुनाव में प्रधान पद के लिए 3 दावेदार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर पालन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज यानी शुक्रवार शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि आज ही चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारी यूनिटी है, हमारी एसोसिएशन है सर एडवोकेट्स की। एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, जो लिटिगेंट्स आते हैं उनके वेलफेयर के लिए जुडिशरी का और एडवोकेट्स उसका तालमेल बन रहे, उसी के लिए हमारी कमेटी का गठन होता है। और हमारा जो है ये इलेक्शन 1 साल के लिए होता है सर। 1 साल के बाद फिर न्यूली इलेक्टेड जो है कमेटी आती है। प्रेसिडेंट पद के लिए कितने खड़े हैं आज? प्रेसिडेंट पद के लिए सर 3 कैंडिडेट हैं, बलदेव राणा जी हैं और कंवरप्रीत भाटिया जी हैं और राहुल बाली जी हैं सर। तो किस प्रकार चल रहा है चुनाव? सर फ्रेंडली इलेक्शन है, बिल्कुल रिजल्ट पे ही पता चलेगा कैसे क्या रहे। कितने वोट कॉल हो चुके हैं कुछ पता? जयपाल जी 1100 के आसपास, करीबन 1100 के आसपास वोट कॉल हो चुके हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।